के 2-4 साल में किराएदार पक्का हो जाता। अरे 70-80 साल पुराना अभी हमारा ससुर पक्का ही नहीं हुआ। ये आधार कार्ड और ये क्यों लेके बैठी है पहचान पत्र? सारे प्रूफ है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। हमारे बच्चा 12वीं कर चुके, कोई बीए कर चुके, बीएससी कर चुके, हमारे बच्चा वहीं से। जब घर नहीं है हमारी छत छिन जाएगी, छतों पे तो लगेगा झंडा, क्या हाथों पे लगेगा? जब छत नहीं रहेंगे तो झंडा कहाँ लहराएंगे? 15 अगस्त मनाया गया है, झंडा फहराया गया है मोदी जी द्वारा, और आज 16 अगस्त को आप लोग यहाँ रोडों पे हैं। तो क्या करें, कल भी रोते रहे कहाँ जाए, 18 तारीख को तोड़ने के लिए बुलडोजर आ जाएगा। तो ये जगह किसी के बाप की नहीं है, ये जगह हमारी है, हमारे बाप की है। जहाँ है वहीं रहना चाहते हैं, हमारा घर मत तोड़ो, हमें नहीं चाहिए उसके 15 लाख, नहीं दूसरी जगह घर चाहिए। कल जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, आज़ादी का दिन था कल। हाँ, और कल हमारा महोत्सव मनाया जाएगा। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कस्तूरबा नगर, जो कि अभी कहीं खबरों में नहीं है, दूर दूर तक लोगों को पता भी नहीं है, और लगातार जिस तरीके से घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बुलडोजर की राजनीति की जा रही है, तो वही ये लोग यहाँ पर मौजूद है। ये महिलाएं जो है अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर आई है। सोचिए, इनके घरों को उजाड़ दिया जा रहा है। तो मैम, कहाँ से आए आप लोग? हम कस्तूरबा नगर से आए हैं। क्या कुछ समस्या हो गई है जो आप ये इतना बड़ा बैनर लेके सब बैठे हुए हैं? हमारे को ये झुग्गी के नोट से एक तरीक को लगा गए थे, कुछ बता नहीं गए थे, हम अनपढ़ इंग्लिश में लगा गए थे, फिर किसी ने पढ़ के बताया भी, ये तो नोटिस लगा गए 18 तारीख का। 18 तारीख को क्या करने के लिए? ये बुलडोजर आएगा, तोड़ेंगे। तो आपकी जो घर है, मकान है, ये अवैध है? अवैध निर्माण है। हाँ, अवैध है, मतलब गलत तरीके से बनाए गए हैं? नहीं, 50 साल हो गए बैठे को, 50 साल हो गए। जब 50 सालों में कुछ नहीं आया, अब 15 दिन में लगा गया। क्या नाम है आपका? निरंजन कौर। तो आप भी वहाँ से आई है, कस्तूरबा नगर से? हाँ जी। तो ये कितने सालों से आप लोग रह रहे थे? हम, मेरा ससुर रह रहा 70-80 साल से, 70-80 साल पुराना है, नहीं तो कागज देख लो। 70-80 साल से आप लोग रह रहे हैं, और आज जो है मोदी जी की सरकार है, तो उसमें आपके घरों को तोड़ दिया जा रहा है? अब तोड़ रहे हैं, अब हम अवैध नजर आ रहे हैं। इतने सालों में इनको अवैध नजर नहीं आए, जब इतने साल 10 दिन का हमने सुना है के 2-4 साल में किराएदार पक्का हो जाता। अरे 70-80 साल पुराना अभी हमारा ससुर पक्का ही नहीं हुआ। तो आप लोगों के अवैध निर्माण नहीं है, कागज पत्र हैं? पूरे हैं कागज पत्र। तो ये सब आपने दिखाए अधिकारियों को? सबको दिखाए, सब जगह फैले लगाए, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बिल भरते आए महीने, और सीवर पड़े हुए, सब कुछ है, बिजली का बिल, पहचान पत्र, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये क्या स्टूल कार्ड, सब कुछ। कहाँ गए थे, किन अधिकारियों के पास गए थे? सबके पास गए, एमएलए के पास भी, ओम प्रकाश शर्मा के पास गए, केजरीवाल के पास गए थे आप? कोई सुनवाई नहीं पास गए, तो क्या बोला गया? कोई सुनवाई नहीं हमारी, जब सुनवाई होती तो यहाँ क्यों धक्का दे के निकाल दिया? पुलिस ने गेट बंद कर दो, धक्का मार के चली जाओ, नहीं आध घंटा के अंदर हम तुम लोगों को जेल डाल देंगे। जेल में डालने के लिए? ये आधार कार्ड और ये क्यों लेके बैठी है पहचान पत्र? सारे प्रूफ है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। हमारे बच्चा 12वीं कर चुके, कोई बीए कर चुके, बीएससी कर चुके, हमारे बच्चा वहीं से, वहीं पैदा हो चुके, और रोड निकालो जा रहा, तो रोड की जगह पहले पड़ी थी, 3 साल पहले रोड निकल रहा हो, तो 3 साल पहले उनकी क्या है? मैंने गुलचुप भाई, पैसा वाले को फ्लैट, डीडीए फ्लैट बने, उनसे क्या गुलचुप भाई, उनको रोड पार्क छोड़ के हमारी कॉलोनी के लिए 15 दिन के लिए नोटिस लगा दो कि इधर से रोड मोड़ दोगे। तो ये किसके अंडर आता है वो एरिया? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा एमएलए किस पार्टी से है? बीजेपी से। बीजेपी से है, बीजेपी पार्टी से है, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, क्या करें अब? हम तो घर तोड़ रहे हैं, हम तो रोने का महत्व मना रहे हैं। जो है 15 अगस्त मनाया गया है, झंडा फहराया गया है मोदी जी द्वारा, और आज 16 अगस्त को आप लोग यहाँ रोडों पे हैं। तो क्या करें, कल भी रोते रहे कहाँ जाए, 18 तारीख को तोड़ने के लिए बुलडोजर आ जाएगा। अरे घर ही नहीं रहेंगे,
घर ही नहीं रहेंगे तो झंडा कहाँ हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है तो कहाँ लहराएगा तिरंगा जब घर नहीं है हमारी छत छिन जाएगी छतों पे तो लगेगा झंडा क्या हाथों पे लगेगा जब छत नहीं रहेंगे तो झंडा कहाँ लहराएंगे ये मोदी से पूछो केजरीवाल से पूछो यही तो हम पूछने आए कि जब हमारे छत छिन रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे मोदी जी तो हर घर घर भी दे रहे हैं लोगों को जो है 15-15 लाख मिले हैं लोगों को उनके खातों में लाख नहीं चाहिए हमारा जहाँ घर है हमें वही घर चाहिए जहाँ है वहीं रहना चाहते हैं हमारा घर मत तोड़ो हमें नहीं चाहिए उसके 15 लाख नहीं दूसरी जगह घर चाहिए हमें वहीं जहाँ रह रहे वहीं रहेंगे तो देखिए ये लोग जो है कस्तूरबा नगर से आए हैं लगातार यहाँ पर बुलडोजर राज के खिलाफ यहाँ पर इनका प्रदर्शन चल रहा है सामने आप इनके हाथों में ये पोस्टर्स देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पर इनके जो लिखा हुआ है बगावत तक तब तक नहीं उठती जब तक जुल्म आत्मा की पीड़ा ना बन जाए सोचिए ये महिलाएं जो घरों में रहने वाली महिलाएं हैं स्त्री हैं जो घर को संभालती हैं वो आज यहाँ रोडों पर बैठी हुई हैं सोचिए घर मकान छिन जाने से इनकी वाकई में गुजर बसर और जिंदगी क्या रहेगी तो आप क्या नाम है आपका बिमला बिमला जी कहाँ से आई हैं हम कस्तूरबा नगर से कस्तूरबा नगर से आई है तो ये जो मकान बने हुए पक्के मकान है या झुग्गी झोपड़ी तीसरी मंजिल बनी हुई है हमने जब ये डीडीओ वाले बसे नहीं थे जो हमारे बाद बसे हैं ये डीडीओ वाले जो हमारे घर तोड़वा रहे हैं चार चार मंजिल बनी हुई है हमारे इतने इतने बच्चे हो गए आगे पोते पोतियां होगी इतने परिवार हो गए चार चार परिवार हो गए हम कहाँ लेके जाएंगे हमारी छत चलेगी तो हमारा सब कुछ चला जाएगा अच्छा ये जो नोटिस लेकर आए तो आपको क्या बोला गया 18 तारीख को खाली कर देना खाली कर देना इसके बदले में आपको कुछ बताया गया कि आप कहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे नहीं जी कुछ नहीं बताया सीधा खाली करने का हुक्म खाली करने का 18 तारीख को खाली हो जाना चाहिए हम कहाँ जाएंगे चार चार परिवार लेके गरीब चौका बर्तन करके खाने वाले कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब कितने परिवार में आपके कितने लोग हैं कितने लोग होंगे 200 घर कह रहे हैं 200 नहीं आप सबके 200 पर वहाँ पे घर बने हुए हैं आपके परिवार में कितने लोग हैं मेरे परिवार में मेरे घर में 12 जी हैं मेरे अपने परिवार में 12 जी हैं बता मैं कहाँ लेके जाऊंगी 3 परिवार में कहाँ लेके जाऊंगी कहाँ मैं किराए पे कमरे ढूंढूंगी मैंने इतना अपना पैसा कागज पत्र है आपका मकान सारी चीज है जी राशन कार्ड आधार कार्ड सब चीज है हमारे से सारी चीज है हमारे से मैडम कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो हमारे से सब चीज है हमारे से अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिलाएं यहाँ पर सड़कों पे उतरी हुई हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम मैं सिख जाति से हूँ मेरा नाम सुरजीत कौर है और हमारे मम्मी पापा हमारे सास ससुर छोटे छोटे थे तब पाकिस्तान से यहाँ आके कस्तूरबा नगर में रुके थे कस्तूरबा नगर नाम तब रुका है कस्तूरबा गांधी ने गरीब लोगों को मकान कुछ बना के दान किए थे उसके बाद में जो थोड़ी जगह आस अंतरे जगह बची थी तो उस लोगों पे हम लोगों ने मकान हमारे सास ससुर ने मम्मी पापा ने बनाए थे तो ये जगह किसी के बाप की नहीं है ये जगह हमारी है हमारे बाप की है तब कोई डीडीओ नहीं था कोई केजरीवाल नहीं था ना ही मोदी था और ना ही ओम प्रकाश था कोई भी नहीं था जब से ये झुग्गी हमारी बनी है आज कम से कम 90 साल का मेरा ससुर इसी जगह पे हो गया उसकी चौथी पीढ़ी चल रही है चौथी पीढ़ी देख चुके हैं और आज तक इस ये डीडीओ को जगह दिखाई नहीं दी जो आज दिखाई दी है कि ये डीडीओ की जगह है तब डीडीओ सो रहा था अवैध निर्माण बताया है कि आपके घरों को हैं अवैध निर्माण बताया हाँ भाई ये अंतरिक्ष जगह है अब हमारे से वोट लिए जाते थे कहीं बड़े लोग वोट नहीं देते हैं सीधे उनके गाड़ी ट्रक आके हमारे झुग्गियों में रुकते हैं कि झुग्गी झोंपड़े से ही वोट मिलेंगे तब हाथ जोड़ते हैं कहते हैं माता बहनों हमारे को वोट दीजिए हम आपका सब कुछ करेंगे हम आपके साथ हैं कुछ भी आपत्ति नहीं आने देंगे लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हमारे वोट लेके जीत के कुर्सी लेके बैठ गए हैं और आज हमारे साथ कोई भी नहीं है आज हम अकेले पड़ गए हैं तो वहाँ के जो MLA बता रहे हैं आप तो वो आए आपसे पूछने आए बताए तो हमारा दुश्मन बना हुआ है वो ही जुड़ाना उसी का हाथ है घर उठवाना हमारा हाँ। वो कह रहा है कि मैं ये जगह उठवाऊंगा और मैं रोड निकलवाऊंगा यहाँ से जो के रोड हमारे घर के पीछे से निकल रहा है हाँ। वो बंद करवा दिया दीवार बनवा के अच्छा। तोड़ा हुआ बल्टोजर ने रोड वो बंद करवा दिया और हमारे घर तोड़े जा रहे हैं वो बंद क्यों करवा दिया किस विषय पर करवा दिया रोड बंद
आप लोग गए थे किसी बड़े उनसे मिले थे, अधिकारियों से मिले हैं, केजरीवाल जी से मिले, कहाँ पे मिले? गया वहाँ से केजरीवाल के वहाँ से, तो पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हम लोग वहाँ पे फिर धरना धर के बैठे घंटा दो घंटा, फिर कोई सीएम था कोई एसएचओ था वो आया, वो अंदर दो लोगों को लेके गया, तो उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज किया, ये कहा कि हम एक हफ्ते के बाद बताएंगे। अभी तक कोई हमारे को जवाब नहीं आया, वहाँ कोई जवाब नहीं आया। ये तोड़ने का जो ऑर्डर दिया गया कब तक का दिया गया है? ये कौन सी तारीख है? 18 तारीख को, 16 तारीख है। हाँ। कल जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, आजादी का दिन था कल। हाँ, और कल हमारा महोत्सव मनाया जाएगा, कल हमारे को रोड पे करा जाएगा। आज कई दिन है, कल कई तारीख है ना? 18 का। हाँ, तो 18 तारीख को बल्टोजर फिरने आ जाएंगे हमारे ऊपर। हर घर तिरंगा लहरा रहा है। हर घर कहाँ लहरा रहा है जी, क्या रोड पे लेके लगाएंगे क्या? जब घर ही नहीं रहेगा तो तिरंगा कहाँ लगाएंगे? जी तो महिलाओं के कल एक घंटा जो है बोले हैं, हम बहू बेटियां लेके रोड पे सोएंगे क्या? हाँ। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी विधवा बहू है। हाँ। मेरे पति को दौरे पड़ते हैं, कोई कुमाने वाला घर में नहीं है, मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ तब चूल्हा जलता है, तो कहाँ से हमारी कौन सहायता कर रहा? हमारी कोई भी सहायता नहीं कर रहा। इस दफा तो हमारा घर ही टूट रहा है, घर से बर्बाद हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमें तो घर अपना ही देने का आपको जो है बोला गया, वादा किया, हमारे को तो अपना ही घर चाहिए, हम तो इसी जगह पर रहेंगे। ये जगह किसी के बाप की नहीं है, हमारी है। ये देखिए किस तरीके से ये लोग परेशान हैं। कल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे थे, और लोगों का कहना था कि वाकई में अब जो है आज़ादी मिली है देश को 75 साल बाद। सोचिए 70 साल बाद जो आज़ादी के जो लोग जश्न मनाने की बात करते हैं, कहते हैं कि 70 साल बाद अब वाकई में आज़ादी मिली है, तो वो उस आज़ादी के अमृत महोत्सव को आप समझिए किस तरीके से ये अमृत बांटा जा रहा है कि लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। ये महिलाएं जो घरों से बेघर होकर यहाँ पर रोड पर बैठी हैं, ये कोई और नहीं, वही घरेलू स्त्री हैं जो घर चूल्हा चलाती हैं, जो घर की अन्नपूर्णा कहलाती हैं। लगातार इस तरीके से यहाँ पर इनके साथ इस तरीके का अन्याय किया जा रहा है। सोचिए मोदी जी कहते हैं हर घर तिरंगा, लेकिन जब घर ही नहीं होगा तो तिरंगा आखिर कहाँ लहराया जाएगा? तो सोचिए उस घर पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन मुहिम जो है ऐसी चला दी जाती है, हर घर तिरंगा लेकिन घर ही छीन लिए जाते हैं। सोचिए इन मासूमों का क्या कसूर है कि ये कम से कम बता रहे हैं कि इतने सालों से ये लोग रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, तब कोई जो है वहाँ पर तोड़फोड़ नहीं की गई, इनके पास हर तरीके के कागज पत्र हैं। जब ये किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। सोचिए वहाँ का MLA जो है वही इनको धमकी देकर बोलता है कि ये घर खाली हो जाने चाहिए, 18 तारीख को इनके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा और लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। सोचने वाली बात है, कितनी दुख की बात है, और सोचने वाली बात है कि जिस देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव को चखा जा रहा है, वहीं लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली जंतर मंतर।